जाओ दोस्तों, कराता हूँ मैं आपको अपने रेलवे क्वार्टर का टूर। जैसे ही आपको मेन गेट पर आएंगे, इसमें लिखा है क्वार्टर नंबर, जो मेरा क्वार्टर नंबर है 35/2। मेन गेट से जैसे आप प्रवेश करेंगे, फ्रंट साइड में आपको मिलेगा एक बड़ा सा हॉल, जिसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। फिलहाल मैंने तो अभी कुछ नहीं उगाया है इसमें। देखिए साइड में भी काफ़ी अच्छा है, स्पेस है। इसमें पेड़ ऑलरेडी लगा हुआ है, एलोवेरा का, जामुन का फूल। इसमें मैं सब्जी उगाने का प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसमें सब्जी लगाएंगे। और ये है आपका बैक साइड का एरिया, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। ये रात में बारिश हुआ था तो थोड़ा पानी गिर गया है। यहाँ पे आप कपड़ा वपड़ा धुल सकते हैं या बाहर बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है। बाहर का बहुत अच्छा नज़ारा है, सब नीम का पेड़ चारों तरफ से लगा है, तो हवा भी बहुत ठंडा ठंडा लगता है। अब आपको मैं लेकर चल रहा हूँ, चलिए आपको एक बार सामने का से मैं व्यू दिखा सकता हूँ। देखिए फ्रंट साइड से व्यू कितना अच्छा लग रहा है। जैसे आप क्वार्टर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको एक मिलेगा बड़ा सा हॉल, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। अभी मैं तो इसमें सोफा पर नहीं डाला हूँ, और आप देख सकते हैं सामने से एक बार अच्छे से देखिए पूरा। और ये जो आपको बनाया गया है, यहाँ पे आप LCD लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं, पढ़ उठ सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा के लिए बनाया गया है, आप पूजा वूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि एक अच्छा सा खिड़की है, जो बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। इस खिड़की में सभी खिड़की, जिसमें जितना रूम है सब खिड़की में, उसमें आपको जाली लगा हुआ मिलेगा। अगर आप खिड़की हटाएं तो जाली लगा दें, ताकि मच्छर उच्छर अंदर प्रवेश ना करें। ये हॉल का ये दूसरा खिड़की है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और वहाँ से आपको जो साइड में आगे जो क्वार्टर दिख रहा होगा, वो दूसरे का क्वार्टर है। आइए अब रूम दिखाता हूँ। जैसे अब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है आपको बेसिन, और इसके बाद आपका है मास्टर रूम। मास्टर रूम में जैसे आप प्रवेश करेंगे, देखिए ये है मेरा बेड, और ये है अलमीरा, जिसमें मैं अपना बुक, लैपटॉप, मैक ये सब रखा हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये साइड का रूम के साइड का खिड़की है। यहाँ से स्टेशन भी दिखता है, जिस स्टेशन पे मैं इस समय वर्किंग हूँ। और बैक साइड में भी एक खिड़की है, दो डोर है इस रूम में, और देख सकते हो बैक साइड से वो बाहर का जो क्वार्टर है वो दिख रहा होगा आपको। यह है ट्राईपोड, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, और आप दिलीप सिंह एकेडमी पे रेगुलर वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे यह है आपका ट्राईपोड, जिसमें मोबाइल स्टैंड है, जिसकी सहायता से मैं वीडियो को शूट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इस रूम में अटैच वॉशरूम है, जिसमें शावर है और सब लगा हुआ है। ये वेस्टर्न वॉशरूम है। और आइए आपको मैं दिखाता हूँ किचन। देखिए ये किचन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी अच्छा किचन है, टाइल्स लगा हुआ है। अभी मुझे 3 मंथ ही हुआ शिफ्ट हुए, तो अभी कुछ चीज़ें मैंने परचेज किया है, बाकी सब धीरे धीरे परचेज करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा अलमीरा मिल जाता है, जिसमें आप सामान वामान रख सकते हैं। यहाँ पे एक खिड़की है, आप देख सकते हैं वेंटिलेटर के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा है। और ये है किचन से आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर के साइड का ये बालकनी है। यहाँ से आपको स्टेशन दिखता है, जिस स्टेशन पे मैं वर्किंग हूँ। ये सभी रेलवे कॉलोनी है, इस कॉलोनी में सभी रेलवे के एम्प्लाई ही रहते हैं। अब आइए मैं आपको सेकेंड टॉयलेट दिखाता हूँ। ये है सेकेंड टॉयलेट, ये हिंदी टॉयलेट है। इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड रूम। यह है सेकेंड रूम। इस रूम में फिलहाल मेरा एक फ्रेंड रह रहा है, उसको अभी तक क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है, तो जब तक अलॉट नहीं होता वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप अलमीरा है इस रूम में, अच्छा सा खिड़की है, जिससे आप वेंटिलेटर की प्रॉपर सुविधा है। एक बार आपको हॉल का मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये
पूरा हॉल का ओवरव्यू है। देखिए वहाँ से किचन है, ये फर्स्ट रूम है, इधर सेकंड रूम है, फर्स्ट रूम में अटैच वॉशरूम है। देखिए एक किचन काफी खूबसूरत बनाया गया है। एक सेकंड रूम है,